पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई के महीने में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें सीधी टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके वजह से बीजेपी की मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं। पामेला गोस्वामी, जो कि बीजेपी की एक यूथ लीडर है, उसके पास से पुलिस के अनुसार उसकी गाड़ी में 100 ग्राम कोकीन बरामद हुआ है। कौन है ये पामेला गोस्वामी जिसकी चर्चा इतनी हो रही है? मॉडलिंग और एक्टिंग के बाद पामेला गोस्वामी ने 2019 यानी 2 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया था। दरअसल पामेला गोस्वामी बीजेपी की एक यूथ लीडर है। पामेला गोस्वामी एक्टिव होकर सोशल मीडिया पे पार्टी से जुड़ी अपडेट्स पोस्ट करती है। कोलकाता पुलिस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, पुलिस की 8 गाड़ियों ने पामेला गोस्वामी की गाड़ी को रोका। कोलकाता पुलिस के अनुसार 19 फरवरी को पामेला गोस्वामी और उसके दोस्त को ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पामेला गोस्वामी को लगभग 8 पुलिस की गाड़ियों ने रोका। जब पामेला गोस्वामी से पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं पाया, जिसके वजह से जब कोलकाता पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की तो लगभग 100 ग्राम कोकीन पुलिस ने बरामद किया। 2020 में पामेला गोस्वामी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने ममता सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार की आलोचना की थी। उसके बाद पामेला गोस्वामी की पार्टी में एक खास इमेज बन गई थी। पामेला गोस्वामी की लगभग हर बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ देखी जा सकती है, जैसे मुकुल राय, तेजस्वी सूर्या जैसे कई बड़े नेता। लेकिन जब से कोकीन के मामले में कोलकाता पुलिस ने पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, तो इससे ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और कहीं ना कहीं इलेक्शन के बीच में पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार करना पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं बीजेपी की इमेज को खराब कर सकता है। यहां तक कि बीजेपी की ही खुद एक महिला सांसद ने कहा कि पामेला गोस्वामी एक बीजेपी की यूथ लीडर है, लेकिन अगर उसके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो पुलिस अपना काम करें। कोलकाता पुलिस के अनुसार प्रबीर कुमार और पामेला गोस्वामी पहले से ही ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले में जुड़े हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब रिया चक्रवर्ती के मामले में उनके पास से गांजा बरामद हुआ था तो बहुत बड़ा एक माहौल बनाया गया था, खास करके गोदी मीडिया के द्वारा। अब देखना यह है कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो का हंगामा मचा के रखा था, तो क्या आज वही गोदी मीडिया इस मामले में भी उसी तरह से बोलेंगे, उसी तरह से सरकार से सवाल पूछेंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। पामेला गोस्वामी का कोकीन के साथ मामला जुड़ने के बाद पार्टी की इमेज को कहीं ना कहीं धक्का तो जरूर लगा है। बस अब देखना यह है कि पार्टी अपनी क्या राय रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।